मथुरा के थाना गोविंद नगर क्षेत्र में पोतरा कुंड के सामने स्थित पान भंडार की एक दुकान में बीती रात अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने के कारण दुकान में रखा करीब 5 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। जन्मभूमि की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों ने जब आग लगती देखी तो उन्होंने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। सूचना मिलते ही दमकल मौके पर पहुंची और बड़ी मुश्किलों से आग पर काबू पाया। मौके पर दुकान स्वामी मदन कुमार भी आ चुके थे, जो पास में ही गोविंद नगर के रहने वाले बताए गए हैं, और उन्होंने बताया कि उनकी दुकान करीब 25 साल पुरानी है, जिसमें लगभग 5 लाख रुपए का सामान भरा हुआ था। वो सारा सामान आग लगने के कारण जलकर राख हो गया है, और आग लगने का कारण विद्युत शॉर्ट सर्किट का होना बताया जा रहा है। कुछ नहीं, फायर ब्रिगेड वाले बताए शॉर्ट सर्किट से आग लगी। कौन सी जगह? जय पोता कुंड जगह। किस चीज़ की दुकान थी, कैसे आग? पान भी, सिगरेट, गुटखा, चॉकलेट और भी तमाम आइटम था जनरल स्टोर का। तो मैं कैसे सूचना मिली? हमें फोन पर सूचना मिली थी पुलिस ने। किस टाइम? 12:20 में। तुमने आगे देखा, तब तक क्या स्थिति थी? इससे देखी थी कि लपटे ऊपर तक है, आपकी पेड़ की कंडीशन देख सकते हो कितनी ऊँची लपटे गई थी। तो जी है, फिर हमें ना रोक दिया था, वो अपना काम कर रहे थे आग बुझाने का। कितना नुकसान हुआ? सभी दुकान जल गई है, करीबन 5 लाख रुपए का लगता सामान का जल, फ्रीज वगैरह सब, कोई भी सामान नहीं बताया गया, 1 रुपये का सामान बचा। कोई कारण कुछ पता चले? कारण तो कोई पता नहीं रहा, वो लिख के ले गए शॉर्ट सर्किट की वजह से लिख के ले गए। क्षेत्रीय लोगों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि दुकानदार बेहद गरीब है और इस दुकान से ही अपने परिवार का गुजर बसर करता है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस दुकानदार को सरकार से कुछ मदद मिले। नहीं, रात को 12 या 12:30 बजे पता लगी है कि इनकी शॉर्ट सर्किट कहीं हुआ है अंदर दुकान में, शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी है। आग की पूरी सुनाप देखी हुई है, पूरी दुकान जल के खाक हो गई है, और जितना दुकान में सामान था लगभग 4-5 लाख रुपए का, ये सामान बता रहे हैं, कुछ इनका जो कैश भी था, जो बिक्री का कैश था, वो सब जल गया, कुछ भी नहीं बचा है, फ्रीज वगैरह सब कुछ जल चुका है। लगभग कितनी पुरानी दुकान थी? दुकान तो इनको लगभग 25-30 साल हो गए, काफ़ी साल पुरानी दुकान है। कोई कारण पता नहीं चल पाया अभी? कारण अभी तो शॉर्ट सर्किट ही बता रहे हैं, पता नहीं क्या अंदर से शॉर्ट सर्किट हुआ है या बाहर से हुआ है, ये कारण अभी समझ में नहीं आया है। और हम तो सरकार से मांग करते हैं, बेचारे गरीब व्यापारी हैं जी, परेशान हैं, कैसे तो अपनी दिनचर्याएं चला रहे हैं, तो इनको सरकार इनकी मुआवजा की व्यवस्था बनाए, एक व्यापार मंडल के तहत एक मांग करते हैं हम, इनका नुकसान की भरपाई सरकार उनकी करे। बेचारे गरीब व्यापारी आज रोड पे आ गए हैं, किसी प्रकार से भी अपना पुनः स्थापित हो सके। सोचने वाली बात है, बराबर में जन्मभूमि है और यहाँ पुलिस का पहरा भी रहता है, उसके बाद भी इतना बड़ा हादसा हो गया, किसी ने ध्यान नहीं दिया? दुखद हादसा है, इतना बड़ा हादसा हुआ है, पुलिसकर्मी बिल्कुल लगभग 10 कदम की दूरी पर पुलिसकर्मी बैठे हुए थे, उनके द्वारा ही कुछ सूचनाएँ दी गई थी, जब इसमें ज़्यादा झपटें उठी थी तो उनके द्वारा सूचना दी गई थी, कुछ बोर्ड पर बगल में नंबर लिखे हुए थे, उनको जो अवगत कराया उनने, उससे ये पता लगा, आए जब तक सब खत्म था।